लालू जी के विचारधारा से मैं उस पार्टी में जुड़ा, मैं तेजस्वी के विचारधारा से मैं गठबंधन में नहीं आया। तेजस्वी प्रसाद यादव में घमंड है कि मैं लालू जी का बेटा हूँ और मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ। तो यहाँ पे उनका संघर्ष कुछ नहीं है और वो बगैर संघर्ष का वो अपने आप को फील करते कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। मैं तो दो ही व्यक्ति को चिराग समझता हूँ, जो ऊपर में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। पिछले 5-6 सालों में बिहार की राजनीति में एक युवा चेहरे ने सबसे तेजी से और एक अहम जगह बनाई है। उनका नाम है मुकेश सहनी, खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, पार्टी का नाम VIP है। कुछ दिनों पहले तक महागठबंधन में शामिल थे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री और खुद को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात करते थे, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम बदला और अब NDA का हिस्सा है। NDA में BJP के कोटे से 11 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। खास बातचीत के लिए ABP न्यूज के साथ मौजूद हैं मुकेश जी। कैसे समझाएंगे जनता को कि आप हफ्ते भर पहले तक कह रहे थे कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, महागठबंधन में थे आप और आप खुद के लिए भी आपके लिए चर्चा थी कि आपको उप मुख्यमंत्री प्रॉमिस किया गया है और अब सब बदल गया, आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री और सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री, कैसे समझाएंगे ये जनता? लालू जी के विचारधारा से मैं उस पार्टी में जुड़ा, मैं तेजस्वी के विचारधारा से मैं गठबंधन में नहीं आया। मैं लालू जी को मैंने देखा कि उन्होंने बहुत संघर्ष किए थे और उस विचारधारा के साथ हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन किए, लेकिन हमने देखा है, महसूस किया कि राष्ट्रीय जनता दल डिफरेंट बदल गया, टोटल ही बदल चुका, वो अभी तेजस्वी का पार्टी हो चुका है, ठीक है। तो वहाँ पर हमने देखा कि उनका एक अपना था कि उनको, आप सबको भी पता है कि उनको युवा से बहुत चिर है, कोई भी युवा उनको पसंद नहीं है, चाहे वो कन्हैया जी हो या चिराग जी हो या सनप मल्ला हो, हर किसी से उनको डर है, भय है कि कल जाके ये बड़ा हो जाएंगे तो हमें टक्कर देंगे। दो साल भी पुराना पार्टी नहीं है, लेकिन हमारे पास 15% वोट का ताकत है। अभी हमने 2019 में एक उपचुनाव हमने चुनाव लड़ा था अपने दम पर अकेले, वहाँ पे हमने 15% वोट लाया था। तो ये क्लियर था कि NDA का मतलब महागठबंधन का सरकार बनेगा तो मेरे सहयोग से बनेगा, और वहाँ पे क्लियर था कि आप अगर मुख्यमंत्री बन रहे तो अति पिछड़ा के नाते हमें डिप्टी CM का जगह हमारी पार्टी को मिलना चाहिए, और यहाँ तक बात सहमति बन चुका था, 25 सीट पे सहमति बन चुका था और सारे चीज़ें, जब लोकसभा हारने के बाद भी हम लोग आपस में बात किए कि गठबंधन को कंटिन्यूटी करना, आगे चलना है, तो ये सारे चीज़ें बात होते गए और फिर धीरे धीरे करके एक एक सहयोगी को छोड़ते गए, तो उनको ये एहसास था कि मुकेश सहनी जहाँ पे भी चुनाव लड़ लेंगे अपने पार्टी से वहाँ पे वोट काटेंगे तो मेरी जीत होगा और NDA का हार होगा, तो उनके दिमाग में ये पिक्चर एक सेट था। तो उनका मन में था कि हम लास्ट आवर में जाके इनको छोड़ेंगे ताकि पूरे बिहार में 243 जगह लड़ेंगे और लास्ट मोमेंट पे क्या होगा, जहाँ लड़ेंगे तो वहाँ पे वोट NDA का काटेंगे और हमारा जीत हो जाएगा। हमें बहुत खुशी है कि एक पिछड़ा का बेटा देश का प्रधानमंत्री बने हैं और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इस सब के ने एक किसी ने खंजर भोंकने का काम किया तो इन्होंने नीतीश जी सब मिलके हमें मलहम लगाने का काम किया, पिछड़ा के बेटा को गठबंधन में रखा और आपने देखा कि 2 नंबर में 11 सीट से गठबंधन हुआ, 1 MLC से, तो इतने बड़े सम्मान आज हमें दिया है और मैं मानता हूँ कि हम सरकार का पार्ट बने। और आप सबको भी पता है कि पिछले 2005 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी बिहार में कितना काम किए, विकास का काम किए, पिछड़ा हुआ राज रहने के बावजूद भी उन्होंने जितना हो सका उतना उन्होंने काम किया, बिहार को बहुत आगे पहुँचाए हैं, खास करके पिछड़ा समाज के लिए आगे बढ़ाए हैं और एक बड़ा अनुभव है, 15 साल का सरकार चलाने का एक अनुभव है। और हम यहाँ पे R&D नहीं करना चाहते, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाएंगे, 5 साल में उनके साथ रह के बहुत कुछ मैं सीखूंगा राजनीति और सरकार कैसे चलाया जाता है, और वहाँ सीखने के बाद 2020 में जिसमें दम होगा वो बिहार के जनता के सेवा के लिए मैदान में उतरेंगे। हमें देखिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है और मुझे पूरा भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी पे, वो अपने कैबिनेट में हर तरह के लोगों को जगह देते हैं, खास करके पिछड़ा के बेटा को बढ़िया से जगह देते हैं, अब मुझे पूरा भरोसा है कि वो पिछड़ा के बेटा को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि उनका जो विरासत रहा वो पिछड़ा को ही लेके रहा, तो मुझे पूरा भरोसा है कि पिछड़ा समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हर संभव मुझे मदद करेंगे। तेज प्रताप जी हैं, मीसा जी हैं, अभी ऐसे लोग अगर राजनीति में अगर वो अपने आप को एस्टेब्लिश होते हैं और पार्टी को नेतृत्व करते हैं तो कभी भविष्य में सोचा जा सकता है कि साथ जाना है कि नहीं जाना है। और मैंने जब भी तेज प्रताप से मैं मिला हूँ तो बहुत मतलब दिल खुश स्वभाव के लोग हैं,
जब भी मिले अच्छे से मिले हैं, रिस्पेक्ट किए हैं, अच्छे से बात किए हैं, वो उसके मन में बहुत बड़ा घमंड नहीं है कि मैं लालू जी का बेटा हूँ। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव में घमंड है कि मैं लालू जी का बेटा हूँ और मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ। देखिए, आप उत्तराधिकारी संपत्ति का बन सकते हैं, दौलत का बन सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बना के और जब जनता का सेवा करने के लिए आ रहे हैं तो वहाँ पे आपको संघर्ष करके आपको उसका उत्तराधिकारी बन सकते हैं। तो यहाँ पे उनका संघर्ष कुछ नहीं है और वो बगैर संघर्ष का वो अपने आप को फील करते हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूँ और राष्ट्रीय जनता दल का बड़ा हूँ। चिराग की बात कीजिएगा तो मुझे नहीं कुछ पता है, मैं तो दो ही व्यक्ति को चिराग समझता हूँ, जो ऊपर में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो अपनी रोशनी प्रकाश से देश को और राज्य को रोशन करके रखे हैं। बढ़ा कि चिराग पासवान जी का अपना पार्टी है, वो बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पे महागठबंधन अपना लड़ रहे हैं, वो स्वतंत्र हैं। हमारी NDA में 4 घटक दल हैं, जहाँ पे JDU है, BJP है, हम पार्टी है और VIP पार्टी है, और उसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी वो स्वतंत्र हैं अपने विचार को रखने का। और अभी तो BJP की तरफ से आपको तो पता ही है कि उसका क्लियर हो चुका है कि हमारे उनसे कोई संबंध नहीं है। तो जो NDA में है उनसे मेरा संबंध है। बाकी वो व्यक्तिगत में बात करूँ तो मैं रामविलास जी को मैं अपना आदरणीय मानता हूँ। रामविलास जी के साथ मैंने 2015 में काफ़ी मैंने प्रचार किया है और रामविलास जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो जब हमारे गठबंधन में नहीं है तो उसके बारे में ज़्यादा विशेष बात करके कोई मतलब नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल ही नहीं, मैं NDA में हूँ और NDA में मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हूँ, JDU के साथ भी और हम पार्टी के साथ भी हूँ, और ऐसी कोई स्थिति नहीं है और ऐसी कोई संभावना नहीं है और मैं पूरा NDA के साथ हूँ। तो मुकेश सहनी ने सारी बातें विस्तार से बताई, क्यों महागठबंधन से अलग हुए, क्यों NDA में आए हैं और संतुष्ट हैं या नहीं हैं, सारी बात उन्होंने विस्तार से बताई है। अहम बात यह है कि मुकेश सहनी की इस चुनाव में अग्नि परीक्षा है, क्योंकि उन्होंने चर्चा खूब बटोरी है लेकिन अब तक राजनीतिक कामयाबी उन्हें हासिल नहीं हुई है। क्या इस बार राजनीतिक कामयाबी हासिल कर पाएंगे मुकेश सहनी? क्या उनकी पार्टी के विधायक चुनकर विधानसभा में पहुँच पाएंगे? ये नतीजों के दिन ही पता चलेगा। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ जैनेन्द्र, ABP न्यूज पटना। ABP न्यूज आपको रखे आगे।